और सिंचन उस दिन बहुत उछल रहा था ना, आज मैं एल्बिडो लेकर के आया हूँ। तो क्या हुआ यार, मैं म्यूटो लेकर के आया हूँ यार। तो मैं ही चीखने वाला हूँ, रुक जा, मुझे एलियन तो बनने टाइम ले। मैं एलियन एग्स बन गया, अब देखता हूँ तेरा ये म्यूटो कैसे बचेगा। दोस्तों ये क्या हो रहा है यार, ये चम मुझे इतना गंदी तरीके से कैसे मार सकता है यार। यह तो बात शुरुआत है सिंचन, अब एलियन एग्स बन करके तेरा क्या हाल करने वाला तू बस देख। अरे यार दोस्तों मैं तो इसको एक भी फटका नहीं दे पा रहा हूँ यार, क्या हो रहा है यार। शिनचैन उस दिन तू मेरा टीम में था इसलिए तो बच गया, आज से तू मेरे टीम में है ही नहीं। तू तो बड़ा कमजोर निकला है। अरे दोस्तों ऐसा कैसे हो सकता है यार, मैं कैसे हार सकता हूँ, नहीं हो रहा है यार। अरे कोई प्रॉब्लम नहीं यार, तेरे पास और एक मौका है यार, ये राउंड टू में मेरे को हरा करके दिखा यार, ठीक है। मैं कुछ अलग एलियन लेता हूँ। अरे यार तूने तो फिर से एलियन एक्स ही ले लिया यार, ये नहीं हो सकता यार दोस्तों। मजा आ रहा है ना सिंचन मार खाते देख, मुझे तो काफी मजा आ रहा है यार सिंचन को मार खाते देख। दोस्तों आप लोग टेंशन मत लो यार, इसने मेरे को आई नो इस बार हरा दिए, बट नेक्स्ट राउंड में मैं इसका धज्जिया उड़ाने वाला हूँ यार। कैसा तू धज्जिया उड़ाएगा भाई, मैं तो एल्बिडो ही लेने वाला हूँ एंड फिर तू फिर से हारने वाला है यार। यार दोस्तों मैं तो आराम से जीत चुका हूँ यार। हेलो दोस्तों मैं हूँ बोल्ट एंड जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो आज सिंचन वर्सेस चॉप हो रहा है मुगेन गेम पर, ठीक है। तो सिंचन तू अगला कैरेक्टर कौन सा लेगा यार? तो अभी जो सबसे पॉपुलर है मैं उसको लेना चाहूंगा, मैं सन वुकोंग को लेना चाहूंगा यार। अरे सन वुकोंग भाई ये कुछ ज्यादा नहीं होगा यार। अरे तू भी तो एल्बिडो लेकर के मेरे को मार रहा था। ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं यार, तू सन वुकोंग ले, मैं एल्बिडो लेकर के एलियन एग्स बन करके तेरे को हराने वाला हूँ। अरे यार तू भूल मत मैं मंकी किंग हूँ यार। ये दिखने में कितना ही यार, ये तो तेरे जैसा ही लग रहा है सिंचन। अरे यार दोस्तों अभी आप लोग देखिएगा कैसे मैं इसको हराने वाला हूँ यार। अरे तू क्या हराएगा, मैं ह्यूमंगस सॉर बन चुका हूँ एंड मैं अल्टीमेट ह्यूमंगस सॉर भी बन सकता हूँ। अरे यार चब अब तू ये देख मैं कौन हूँ, मैं मंकी किंग हूँ, ठीक है, एंड मुझे कोई भी नहीं मार सकता। भले ही मैं बहुत ज़रा मार खा सकता हूँ बट नहीं मैं हारूंगा कभी नहीं। बट तू तो मेरे को मार भी नहीं पा रहा यार, ये देख एक ही बार में उड़ा दिया यार। अब क्या हो गया यार? अरे दोस्तों ये भाई ये मंकी किंग तो कुछ ज़्यादा ही स्ट्रांग निकला यार। ओके चब अब तू क्या बोल रहा था यार, एल्बिडो लेकर के तू मेरे को हराएगा, ये ले तू तो एलियन एक्स ले। दोस्तों इस बार मैं एलियन एक्स लेकर के आ गया हूँ। अरे दोस्तों ये देखो एलियन एक्स को मैंने एक ही बार में हरा दिया यार। भाई ये सन वुकोंग इतना ज्यादा पावरफुल क्यों है यार? तो चल मैं तेरे को और एक मौका देता हूँ, चल कुछ भी ले ले यार। अरे दोस्तों आप लोगों को एक चीज मालूम है ना कि यार सन वुकोंग से ही इंस्पायर्ड होकर के यार गोकू को बनाया था। मंगा में इसका ओरिजिनल नाम था सन गोकू एंड जब ये पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था तो गोकू के पास भी एक डंडा था यार वुकोंग जैसे। अरे हाँ दोस्तों ये चीज मुझे पता है, इसका मतलब तो यार गोकू लेने वाला है क्या? हाँ दोस्तों मैं अब गोकू लेने वाला हूँ, शिनचैन को उड़ाने वाला। अरे यार गोकू मत ले यार, गोकू को मारने में मुझे तकलीफ होगा यार। शिनचैन तो कुछ ज्यादा ही बोल रहा है यार, ये गोकू है। अगर ये गोकू है तो ये सन वुकोंग है, ठीक है, एंड ये एक गॉड है यार, ये ग्रेट सेज है। तेरे को पता है सन वुकोंग को सिर्फ यार बुद्धा जी ही हरा सकते हैं ये चौप। अरे यार इसको तो मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा यार, गोकू बन करके इतना हिट कर रहा हूँ। ओके मुझे शायद से ट्रांसफॉर्म होना ही पड़ेगा यार, मैं सुपर सैन बन चुका हूँ, सुपर सैन टू एंड ये लग काम है हमें। यार मुझे कुछ भी नहीं होगा यार, मैंने तेरे को बोला है ना चुप। अरे दोस्तों ये तो गोकू ब्लू भी बन चुका है फिर भी सन वुकोंग को कुछ भी नहीं हो रहा यार। अरे दोस्तों अब मुझे शायद से गोकू को हराना ही पड़ेगा यार, मैं बहुत देर तक रुका रहा बट मुझे अब मारना ही पड़ेगा। अरे एक मिनट दोस्तों इसका सन वुकोंग इतना बड़ा कैसे होगा यार? सन वुकोंग यार बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन ले सकता है, कुछ भी कर सकता है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो दोस्तों इसने एक फायर टोर्नेडो का यूज करके आराम से यार गोकू को उड़ा दिया है यार। अरे इस बार तो बचेगा नहीं, मैं ऑलरेडी सुपर सन ब्लू पे हूँ यार। दोस्तों कैसा लगा ये चम? अरे यार दोस्तों इसने मेरे को एक ही फटके में उड़ा दिया, ऐसा कैसे हो सकता है यार? शिनचैन तेरा किस्सा खत्म होने वाला है क्योंकि मैं अभी नरूटो ले रहा हूँ और वो भी बेरन वाला नरूटो। अरे चल ले ले यार नरूटो ले ले तू यार। हाय दोस्तों आप लोगों का प्यारा शिनचैन फिर से सन वुकोंग लेकर के जीतने वाला है। अरे तू जीतेगा ख्वाब में, ठीक है। अरे यार तू क्यों फिर से भूल चुका है यार, नरूटो भी थोड़ा बहुत इंस्पायर्ड है सन वुकोंग से, ठीक है, ये चाइनीज माइथोलॉजी में पढ़ता है ना बुद्धिज्म में, तो इसीलिए यार। अरे यार सीरियसली दोस्तों इसका तो कुछ भी नहीं हो रहा है, अब ये सन वुकोंग मारने के लिए आ जाएगा क्या? यला रसायन गन। अरे यार इतना बड़ा सा रसायन गन मारा दोस्तों फिर भी ये सन वुकोंग को कुछ भी नहीं हुआ यार। अरे दोस्तों अब इसको कैसे हरा सकते हैं आप लोग, मुझे कमेंट करो कि सन वुकोंग को मैं कैसे हरा सकता हूँ। अरे दोस्तों आप लोग प्लीज कमेंट मत करो क्योंकि सन वुकोंग को कोई भी नहीं हरा सकता है, सन वुकोंग को सिर्फ बुद्धा जी ही हरा सकते हैं क्योंकि सन वुकोंग तो यार अपने हनुमान जी से इंस्पायर्ड है ना। अरे यार ये तो भाई तूने सही बोला यार, तो मुझे लग रहा है यार सन वुकोंग को हम लोग हरा नहीं पाएंगे यार, बट ये नरूटो बहुत
जरा ट्राई कर रहा है, लेकिन ये नारुतो ट्राई तो कर रहा है बट नारुतो को, एक मिनट यार, नारुतो यार मार तो रहा है सन वुकोंग को, बट इसको क्यों अलग फटका पड़ रहा है यार? अरे यार, हाँ यार दोस्तों, यार नारुतो मार रहा है सन वुकोंग को, सन वुकोंग तो नारुतो को कुछ भी मार नहीं पा रहा है मतलब अभी तक, बट स्टिल नारुतो को फटका कैसे पड़ रहा है यार? अरे एक मिनट शिनचैन, नहीं, सन वुकोंग मार रहा है जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, पर नारुतो का बेडन मूड सह रहा है, ठीक है, क्योंकि ये तो नारुतो का बेडन मूड है ना, काफी स्ट्रांग है। अरे हाँ दोस्तों, यार नारुतो बेडन मूड स्ट्रांग है दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, यार सन वुकोंग तो अभी बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा है नारुतो बेडन मूड को मारने के लिए, अपने फुलन शक्ति भी लगा रहा है, पर नारुतो का बेडन मूड कुछ ज्यादा ही शक्तिशाली है, इसलिए यार एक एक फटके में नहीं उड़ा पा रहा है यार। अरे हाँ दोस्तों, यार ये बैटल मैं भी देख रहा हूँ, जैसे कि आप लोग क्लियरली देख पा रहे हो दोस्तों, यार सन वुकोंग ना यार मार रहा है नारुतो के बेडन मूड को, पर नारुतो का बेडन मूड बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है दोस्तों, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, इसने दो बार या रसेंगन यूज़ करा, ठीक है, सन वुकोंग को अभी तक कुछ भी फटका नहीं पड़ रहा है जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, बट यार नारुतो को भी उतना फटका नहीं पड़ रहा है यार, सन वुकोंग हरा सकता है डेफिनेटली यार, नारुतो के बेडन मूड को तो डेफिनेटली हरा पाएगा यार, सन वुकोंग ने पूरे सेलिस्टियल एम्पायर को हरा दिया था अकेले में, बट यार नारुतो का बेडन मूड शक्तिशाली है ना दोस्तों, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, इसलिए सन वुकोंग को थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बिकॉज नारुतो बेडन मूड इज अ वेरी टफ ओपोनेंट। अरे यार मैंने सही किया यार, नारुतो का बेडन मूड लिया, अगर मैं नारुतो का कुछ कमजोर वाला फॉर्म ले लेता तब तो सन वुकोंग मेरे को आराम से ही हरा देता यार। तूने तो अब सबक सीख लिया, ये ले मैं छोटा बन गया, अब ये ले फुल ऑन अटैक मार रहा हूं यार। अरे यार इसको हरन में बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है दोस्तों। Much, much, much later. अरे दोस्तों मुझे लग रहा है ये बैटल समाप्त होने में काफी देर लग जाएगा यार। इस बैटल को रटे कर देना चाहिए यार, तू जीत गया भाई, तू जीत गया, सन वुकोंग को कोई भी नहीं हरा सकता यार। A few inches later. दोस्तों अभी मैं एक लास्ट मुकाबला देखना चाहूंगा, आप लोग तो साउंड सोनिक को पहचानते हो राइट? अरे यार ये तो वन पंच मैन सीरीज से है ना। अरे यार एंड लेफ्ट साइड के तरफ तो ये सोनिक है यार। हाँ दोस्तों आज मैं देखना चाहूंगा सोनिक एंड साउंड सोनिक में कौन ज़रा पावरफुल है, ठीक है, सोनिक भी बहुत ज़रा फास्टर तरीके से मार सकते हैं, साउंड सोनिक तो आप लोगों को पता ही है भाई, ये भी बहुत ज़रा बहुत बहुत ज़रा फास्ट है। अरे मुझे लग रहा है यार साउंड सोनिक जीतेगा यार। अरे नहीं यार मैं सोनिक के साथ हूँ यार। तो देखते हैं दोस्तों क्या होगा, ठीक है, ओके, जैसे कि आप लोग देख पा रहे, और सोनिक को तो मार मिल रहा है भाई, सोनिक को मार मिल रहा है, एंड जैसे कि आप लोग देख पा रहे सोनिक भी मार रहा है यार, सोनिक भी मार रहा है, ठीक है, ओके यार सोनिक क्या कर रहा है भाई, नो दोस्तों मुझे लग रहा है साउंड सोनिक इज मच मोर स्ट्रॉन्गर, ठीक है, साउंड सोनिक इज मच मोर स्ट्रॉन्गर, क्योंकि जैसे कि आप लोग देख पा रहे साउंड सोनिक तो फुल ऑन अपना कटाना चला रहा है। अरे यार अब यार सोनिक हार जाएगा क्या? अरे रुक जा, अभी तक बैटल समाप्त नहीं हुआ है शिनचैन। अरे मुझे तो लग रहा है यार समाप्त ही हो जाएगा ये चॉप, क्योंकि सोनिक का तो आधा हेल्थ अभी कम ही हो चुका है यार। अरे यार देख सोनिक भी अभी मार रहा है यार, सोनिक मार रहा है, नो डाउट सोनिक इसको हिट तो दे रहा है, बट साउंड सोनिक अपना तलवार बहुत ज्यादा फास्टर तरीके से चला सकता है ना, सोनिक उसको चकमा नहीं दे पा रहा है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे सोनिक अपना यार गोल गोल घुमावदार अटैक यूज कर रहा है। मुझे लग रहा है साउंड सोनिक ज्यादा स्ट्रांग है यार, अब तो तू यार एग्री कर ही सकता है। हाँ दोस्तों आई थिंक इस गेम में नहीं, आई थिंक साउंड सोनिक इज वेरी स्ट्रांग, ठीक है, आई मीन वेरी स्ट्रांग मतलब साउंड सोनिक इज स्ट्रॉन्गर देन सोनिक, ठीक है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो साउंड सोनिक ने आराम से सोनिक को हरा दिया। तो दोस्तों आप लोगों को अगर इसी टाइप के वीडियोस देखना है तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो, अगर आप लोगों को फाइट्स देखना है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो कि इस वाले और इस वाले कैरेक्टर के बीच फाइट कराओ बोल भाई, तो डेफिनेटली लेकर के आएंगे। एक मिनट दोस्तों ये बैटल तो समाप्त नहीं हुआ है भाई, हम लोग यार बाय बाय दे रहे हैं, एंड जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो ओके सोनिक हार गया, बट सोनिक ने साउंड सोनिक को भी अच्छा खासा पीटा भाई, अच्छा खासा पीटा यार, एंड व्हाट इज हैपनिंग भाई, ये सोनिक तो ट्रांसफॉर्म हो गया बेटा। अरे दोस्तों एक मिनट आप लोग रुक जाओ यार। दोस्तों यार रुक जाओ यार, सोनिक ने अपना ट्रांसफॉर्मेशन ले लिया भाई, यार मुझे लगा था सोनिक हार जाएगा बट सोनिक ने ट्रांसफॉर्मेशन ले लिया, एंड सोनिक अब शायद से तीसरा ट्रांसफॉर्मेशन भी लेने वाला है। ओ माय गॉड दोस्तों आप जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो सोनिक का आप स्पीड आप लोग देखो यार। अरे यार हम लोगों ने तो सोनिक को कुछ ज्यादा ही कमजोर समझा था यार, बट बोल ये तो उल्टा निकला यार। अरे हाँ दोस्तों अब साउंड सोनिक भी अपने आप को पावर अप कर रहा है, बट सोनिक का जो ये गोल्डन वर्जन है, ये गोल्डन सोनिक है ना भाई, बहुत ज़रा फास्ट है दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख पा रहे बहुत ज़रा फास्ट है, अब तो साउंड सोनिक टिक भी नहीं पा रहा है। ओके साउंड सोनिक अब मार रहा है, साउंड सोनिक ने पावर अप कर दिया, अब देखते हैं अगर साउंड सोनिक ये वाला मुकाबला जीत जाएगा ना, मतलब ये वाला राउंड जीत जाएगा ना, तो आराम से वो विजेता कहलाएगा, बट अगर सोनिक ने ये मुकाबला अपने हाथ में ले लिया तो और एक राउंड होगा, जैसे कि आप लोग उरी अब तो साउंड सोनिक भी घूम करके सोनिक जैसे मार रहा है यार। अरे यार मुझे लग रहा है साउंड सोनिक ही जीतेगा भाई। दोस्तों मुझे भी अब लग रहा है कि साउंड सोनिक जीतेगा, ठीक है देखते हैं भाई। नो अभी तक हम लोग कुछ भी नहीं बोल सकते, क्योंकि अभी यार
सोनिक भी मार रहा है, गोल्डन कलर सोनिक भी मार रहा है, एंड दूर से यार पता नहीं कौन सा स्लैश टाइप कुछ अटैक यूज कर रहा है जिसके आप लोग देख पा रहे हो। ओके ओ क्या पंच, और क्या आई थिंक साउंड सोनिक गया यार। ओके 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 दोस्तों खत्म। ओ अब कुछ भी हो सकता है, अब कुछ भी हो सकता है। अरे दोस्तों क्या लग रहा है कौन जीतेगा यार? मुझे तो लग रहा है अब सोनिक जीत जाएगा यार। मुझे भी लग रहा है अब सोनिक जीत जाएगा, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो सोनिक ने यार बाजी पलट दिया भाई, एंड सोनिक हमारे मुंह पर अभी किक करके बोल रहे हैं कि यार तुम लोग प्लीज पहले डिसीजन मत लिया करो। ओके दोस्तों अब ये फाइनल राउंड होने जा रहा है, आप देखते हैं। ओके सोनिक को पहला फटका, ठीक है आई मीन साउंड सोनिक को पहला फटका, अब देखते हैं। ओके सोनिक को भी मिल रहा है फटका, सोनिक दूर से ही एक पावर मूव यूज कर रहा है। ओके अब साउंड सोनिक भी मार रहा है कुछ शुरिकेन जैसा चीज, ठीक है। ओके ओ नाइस नाइस यार सोनिक किया, बढ़िया तरीके से अभी हिट दे रहे। और दोस्तों यार सोनिक तो पागल ही हो चुका है यार, सोनिक ने शायद से हमारा बात सुन लिया कि सोनिक बहुत कमजोर है, यह सब हम लोग बोल रहे थे ना। अरे हाँ मुझे भी लग रहा है चुप कि सोनिक ने हमारा बात ही सुन लिया होगा, इसलिए सोनिक अभी कुछ ज्यादा ही गुस्से में यार मार रहा है। इसका मतलब सोनिक यार इसको मारने के बाद हमें भी मारेगा क्या? अरे तुम दोनों प्लीज चुप हो जाओ यार, ये बैटल देखना है मुझे। एंड सोनिक तो यार शक्तिमान की तरह घूर रहा है भाई, है सोनिक तो शक्तिमान की तरह घूम घूम के मार रहा है भाई। ओ नाइस, ओ नो सोनिक ने प्रूफ कर दिया कि साउंड सोनिक मेरे आगे कुछ भी नहीं है भाई, सोनिक ओरिजिनल तो मैं ही हूँ, इसके आगे तो एक साउंड है भाई, तो वो उसको तुम लोग कैसे यार बोल सकते हो कि वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो सोनिक तो एक कामे हमें जैसा एक मूवी यूज कर रहा है भाई, सोनिक पागल हो चुका है दोस्तों, सोनिक पागल हो चुका है। एंड सोनिक का ये गोल्डन वर्जन बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। खत्म भाई, साउंड सोनिक इस डेड। अभी आप लोगों को मैं बाय बाय बोलना चाहूंगा, एंड सोनिक मानना पड़ेगा भाई।